गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 23, जिसका पहला पद हमें ए दिया गया है और एनवा पद बी बताया गया है. ठीक है, एनवे पद का मतलब हो गया ए आर एन माइनस वन. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ए ना समझे, ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ये क्लियरली पता है. ये पहले पद के लिए हो गया, ठीक है ना, पर हम वो हमारा ए ही है तो ये समान मान सकते हैं आप. ठीक है, और ये हमें इसका सिद्ध करना है. हमें दिया गया कि P बराबर जो है, P क्या है, जो हमारे गुणोत्तर श्रेणी के n पद होते हैं, ये सभी गुणोत्तर श्रेणी के n पद होते हैं, a ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर एन माइनस वन, इन सभी का जो गुणनफल है, इन सभी का जो गुणा है वो क्या है, P कहला रहा है. P फॉर प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है, इसलिए इन्होंने P का सिंबल दे दिया यहाँ पर. ए हमारा कितनी बार है, पहले पद से स्टार्ट होकर एन पदों तक जा रहा है, तो इसका मतलब ए की पावर एन, आधार समान होता है इसलिए घातें जुड़ गई हैं. वैसे आर की पावर आधार समान है, यहाँ भी ये जुड़ जाएंगी एन माइनस वन, ये एक समांतर श्रेणी बन गई. किसी समांतर श्रेणी के एन प्राकृत संख्याओं का योग एन एन प्लस वन बटा में दो होता है. अब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, एन माइनस वन, तो इसमें एन की जगह पे एन माइनस वन अब रख देंगे, जिससे क्या बन गया, ये एन एन माइनस वन बटा में दो बन चुका है हमारे पास. तो ये क्या आ गया, एन एन माइनस वन बटा में दो. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसके ऊपर वर्ग कर देंगे, तो ये बन जाएगा पी स्केयर, ये हो गया p की पावर 2n, और यहाँ स्क्वेयर करने पर क्या होता है, हम क्लियरली लिख लेते हैं जैसे क्या हो रहा है. यहाँ पर p स्क्वेयर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो a की पावर n r की पावर n माइनस वन अपॉन में 2 का होल स्क्वेयर, तो दोनों पर स्क्वेयर अलग हो जाती है, a की पावर n का स्क्वेयर अलग हो गया और r n माइनस वन n n अपॉन 2 का स्क्वेयर. तो पावर के ऊपर इस तरह पावर होती थी, ये गुणा में आ जाता है, तो यानी क्या बन गया, ये a की पावर 2n, और यहां पर हमारे पास ये क्या बन चुका है, r की पावर n n माइनस वन बन चुका है. ठीक है, अब दोनों में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये a n, इसको a स्केयर की पावर n लिख सकता हूं और इसको r n माइनस वन की होल पावर n लिख सकता हूं, घातों का गुणा ही था ना, उनको हमने अलग अलग कर लिया, तो इसे हम ए स्केयर आर की पावर एन माइनस वन इस पूरे की पावर एन लिख सकते हैं, पावर अलग अलग थी, पहले कंबाइन कर ली हमने, ए को हम ए इंटू ए आर एन माइनस वन की पावर एन इस तरह से लिख सकते हैं. ए स्केयर को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, ये क्या बन गया हमारे पास, बी बन गया, क्योंकि ये बी के बराबर था, ये देख लिया यहाँ से, ये बी के बराबर है, तो ये बन गया ए बी की पावर एन, यही हमें इसमें सिद्ध करना था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24. तो 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, पहले n पदों का जो गुणोत्तर श्रेणी है उसमें n प्लस वन, पहले n पदों का योगफल, जो गुणोत्तर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल और उसके बाद n प्लस वन से लेकर 2n तक, ठीक है, n प्लस वन से लेकर 2n तक के पदों का योगफल का अनुपात हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 बटा r की पावर n आना चाहिए. ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि अगर हम t1 t2 ये हमारे पास पहले n पद हो गए, यहां से लेकर यहां तक के पदों का योगफल और इसके जस्ट बाद आने वाला पद क्या होगा, n प्लस वन, यहां से लेकर 2n तक इन दोनों पदों का योगफल का अनुपात,
पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों का योगफल, यानी हम इसको एस एन कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों का योगफल का अनुपात, यहाँ वाला तो एस एन हो गया, ठीक है, इसका अनुपात कहाँ से लेना है, सिर्फ इसके साथ लेना है। लेकिन ये योगफल हम कैसे निकालेंगे, ये योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे योगफल में से, पूरा मतलब टी वन से लेकर टी टू एन तक का योगफल क्या बनेगा, एस टू एन बनेगा ना। जब पहले एन पदों का योगफल एस एन होता है, तो एक से लेकर टू एन तक के पदों का योगफल क्या हो गया, एस टू एन। उसमें से हम यहां तक का योगफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा कौन सा योगफल, ये वाला योगफल बच गया ना, यानी ये हो गया एस टू एन माइनस एस एन। और इन दोनों का अनुपात हमें क्या सिद्ध करना है, एक बटा आर की पावर एन सिद्ध करना है। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, योगफल में ए आर की पावर एन माइनस वन बटा में आर माइनस वन अपॉन में एस टू एन क्या रहेगा, देखो ए और आर तो सेम ही रहेंगे, ए और आर थोड़ा चेंज होंगे, हमारे पास तो सिर्फ एन चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर टू एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, बीच में आ गया माइनस ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। लघुत्तम से यहाँ पे आर माइनस वन आ जाएगा, तो ये आर माइनस वन से आर माइनस वन कट जाएगा, ए भी कॉमन आके कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर बच गया आर की पावर एन माइनस वन, नीचे आर टू एन माइनस वन और आर एन माइनस वन, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो आर एन माइनस वन आर की पावर टू एन माइनस आर एन, माइनस वन से प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम आर एन कॉमन ले लेंगे, आर एन कॉमन लेने पर क्या बनेगा हमारे पास, आर एन माइनस वन, आर एन माइनस वन से यह कट जाएगा, बचेगा क्या, वन अपॉन में आर की पावर एन, और यही हमें इसको सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कैसे किया देख लो, थोड़ा सिंपल ही है, वैसे कुछ नहीं है, आर की पावर एन इंटू एन क्या होता है, आर की पावर टू एन होता है ना, तो हमने ये कॉमन ले लिया, तो पीछे ये बच गया यहाँ पर, और यहाँ से ये कॉमन आने पर क्या बचा, वन बच गया, तो इस तरह से हमने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है। पच्चीसवां क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी चार पद हैं, ए बी सी डी वो गुणोत्तर श्रेणी के अंदर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर गुणा में बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बराबर ए बी बी सी प्लस सी डी का स्क्वेयर है, ठीक है। तो हमें ये चार पद दिए गए हैं, तो चारों पद लगातार ही होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें पता कि पहला पद तो ए है ही, ये तो हो ही गया, ए तो ए हो ही गया, टी वन जिसको हम कह रहे हैं वो तो ए है ही, टी टू हमारा बी है और टी थ्री हमारा सी है और टी फोर हमारा डी है, इसका मतलब ये तो ए है ही, ये हो गया ए आर बराबर बी हो गया, ये ए आर स्क्वेयर बराबर सी हो गया और ये ए आर क्यूब बराबर हमारा डी हो गया। हम क्या करेंगे, ये सारी ए बी सी डी की वैल्यू इन दोनों में रख देंगे और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। पहले हम जैसे एल एच एस में करेंगे, ए बी सी की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए का मान तो ए ही है, ए स्क्वेयर हो गया, प्लस में बी क्या है हमारे पास, ए आर, तो ये ए आर का स्क्वेयर हो गया, सी हमारे पास क्या है, ए आर स्क्वेयर है उसका स्क्वेयर, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इसमें वैल्यू रख दी अपनी। अब बी की जगह यहाँ रखेंगे तो ए आर का स्क्वेयर, सी की जगह रखेंगे तो ए आर स्क्वेयर का स्क्वेयर और डी की वैल्यू हमारी ए आर क्यूब है इसका स्क्वेयर, ये हो गया। अब यहाँ से देखें हम क्या बन रही है, ये बन गया ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ये हो गया ए स्क्वेयर आर फोर बन गया यहाँ पर,
ये बन गया ए स्केयर आर स्केयर प्लस ये बन गया ए स्केयर आर की पावर 4, ये हो गया ए स्केयर आर की पावर 6। दोनों में से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है ए स्केयर, तो ए स्केयर कॉमन आने पे क्या बचा 1 प्लस, यहाँ से हम ए स्केयर कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस आर स्केयर और आर 4, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं ए स्केयर और आर स्केयर, ये ए स्केयर और आर स्केयर कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस आर स्केयर और आर क्यूब बन जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे आर 4 बनेगा ए स्केयर कॉमन लिया तो। अब देखेंगे क्या हो गया, ये हो गया ए की पावर 4 इंटू में आर स्केयर 1 प्लस आर स्केयर आर 4 की पावर होल स्केयर, ये दोनों सेम है ना, तो ये इसका होल स्केयर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ऐसा ही काम हम इसमें करेंगे, ये हमारी LHS आ गई, अब RHS में करेंगे, RHS में भी हम ये सारी वैल्यू रखेंगे, A का मान क्या है A ही है और B का मान क्या है AR, A AR प्लस B है AR, ये हो गया AR स्क्वायर, ये हो गया AR स्क्वायर और ये हो गया AR क्यूब, इसके ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो ये बन गया A स्क्वायर R, ये हो गया A स्क्वायर R क्यूब और ये हो गया ए स्केयर आर की पावर 5, आधार समान था तो गाते यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है ए स्केयर आर कॉमन आ रहा है, उसके साथ अगर कॉमन आएगा तो बाहर स्केयर भी साथ में अलग कर लेंगे हम, तो ये बच गया 1 प्लस आर स्केयर प्लस आर की पावर 4 की स्केयर, हमने ए आर कॉम ए स्केयर आर कॉमन लिया है तो ए स्केयर और यहाँ से आर कॉमन आया तो बचा आर 4, यहाँ से ए स्केयर यहाँ से आर कॉमन है तो आर स्केयर और यहाँ से ए स्केयर आर दोनों ही कॉमन आ चुके हैं तो यहाँ पे बचा 1, ये हो गया ए 4 आर स्केयर 1 प्लस आर स्केयर आर की पावर 4 का स्केयर, तो इसमें हमारी दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आ चुकी हैं, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम गुणोत्तर माध्य n पदों तक का गुणोत्तर माध्य, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब ये n पदों में क्या है, ये कह रहा है कि दो पद हैं, हमें यहां पर पता लग रहा है कि पहला पद a है और उसके बीच लास्ट पद उसका b है, इनके बीच में हम n गुणोत्तर माध्य मान लें, यानी इसके अंदर बीच में हमारे पास क्या है n गुणोत्तर माध्य है, थोड़ा हम इसको शॉर्ट छोटा कर लेते हैं फिर स्पेस कम पड़ जाएगा, नहीं तो हमारे पास a g1 g2 gn और b, जिसमें ये हमारा अब ये क्या है दो पदों के मध्य है, पहला पद और अंतिम पद उसके मध्य में n गुणोत्तर माध्य है, कितने गुणोत्तर माध्य है n गुणोत्तर माध्य है, जिसमें हमारे को पता है कि g1 हमारा दूसरे पद पे काम कर रहा है तो ये हो गया ar, g2 हमारा तीसरे की जगह काम कर रहा है तो ये हो जाएगा ar स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें देखें तो इसमें कुल पद कितने हो चुके हैं हमारे पास, एक से लेकर n पद तो ये थे, एक पद ये हो चुका है और एक पद ये हो चुका है, तो कुल दो पद और हो गए, एक से लेकर n तक तो यहां तक बीच में ही है और दो ये हो गए, तो कुल पद कितने हो गए हमारे पास, कुल पदों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास n प्लस 2 हो चुकी है, ठीक है। अच्छा ये हमारा अंतिम पद है tn, इसको एक तरह मान के चले तो ये क्या आएगा ar n माइनस 1, tn का मान हमारे पास b है, पहला पद हमारा a था ही, ठीक है, R का मान हम यहाँ से निकालेंगे लेकिन n कितना है हमारे पास, इसमें कुल n प्लस 2 पद हैं माइनस में 1 और ये भाग में आ जाएगा b बटा में a, तो R की पावर आ गया n प्लस 1, तो R ये घात इधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा R बराबर हो गया b बटा में a 1 अपॉन n प्लस 1, जिसमें जो ये n है वो क्या है
इसके मध्य कितने गुणोत्तर माध्य हैं उनकी संख्या आ जाएगी एन, ठीक है ना। ओके, ये आर आ चुका है। अगर हमारे पास आर आ चुका है तो हमारे पास पहला गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ए, ये तो हमें पता ही होगा। और आर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी बटा में ए वन अपॉन एन प्लस वन, और ए बी बटा में ए स्क्वेयर था इसके ऊपर तो टू एन प्लस वन, इस तरह से हमारे पास ये गुणोत्तर माध्य आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, दो संख्याएं हैं 3 और 81, इसके मध्य हमें इसके मध्य के हमें दो पद निकालने हैं, यानी G1 और G2 हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले R निकाल लेंगे, तो R हमने देखा क्या होता है, ये A हो गया हमारा 3, A का मान 3 हो गया, B हमारा 81 हो गया, R का मान क्या आ जाएगा, B बटा A जो हमने फॉर्मूला भी बनाया उसकी पावर 1 अपॉन N का मान 2 है, इसमें 2 + 1 तो कितना आ गया 27, 81 होता है, ये R का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, क्योंकि ये 3 का क्यूब है ना, 3 से 3 कट जाएगा, इस तरह से 3 का क्यूब की पावर 1/3, ये दोनों कट जाएंगे, बचा गया 3, तो R का मान हमारे पास क्या आ गया 3 आ चुका है। यदि R आ चुका है तो G1 क्या होता है हमारा, G1 होगा AR और G2 होगा AR स्क्वायर, तो A हमारा 3 है तो R हमारा कितना है 3, तो ये आ गया 9, ये 3 और ये 3 का स्क्वायर यानी 27, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या बन गई 3, 9, 27 और 81, इस तरह से हम कितने भी दो पदों के मध्य के कितनी भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि हमें बोल दिया जाए कि 5 और 3025 के बीच में कितने गुणोत्तर माध्य होंगे, तो वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मान लो जितने भी हों 4 या 5 जो भी होंगे वो हम सभी इसी से निकाल सकते हैं, वो बताएगा हमें कि 5 माध्य निकालने हैं तो उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, सत्ताईसवां क्वेश्चन है, हमें n का मान ज्ञात करना है जहां पर a की पावर n और b की पावर n प्लस 1 बटा में a की पावर n और b की पावर n है। ये जो है ये a और b के गुणोत्तर माध्य के बराबर है, और a और b का गुणोत्तर माध्य क्या आता है, रूट ए भी आएगा, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य है रूट ए भी आता है, ठीक है ना। तो ये जो संख्या है हमारी, ये जो भी है वो हमारा रूट ए बी के बराबर है, और यहाँ से हमें एन का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, ये भाग से इधर गुणा में ले आएंगे, और ये a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब आधा, आधी पावर होता है ना, और ये a की पावर n प्लस b की पावर n गुणा में आ जाएगा इधर। अब क्या करेंगे, हम इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1/2। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो ऐसे समझ सकता है, देखो पहले a की पावर 1/2 का गुणा किससे हुआ, a की पावर n से, और गुणा में इसके साथ में क्या है, b की पावर 1/2 भी है, फिर इसका गुणा किससे हुआ, इससे, तो ये हो गया a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, b की पावर n, इन दोनों का आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, इन दोनों का आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है, n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1। इसके बाद हम इसमें इन दोनों को शिफ्ट कर लेंगे, जैसे इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 2 इंटू में b की पावर 1/2,
प्लस बी की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एक बटा दो बी की पावर एन प्लस टू बराबर में ज़ीरो। थोड़ा यहाँ देखें हम क्या आ रहा है, या इसको चाहे आप उधर ही रख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इसको हम यहाँ पे बराबर में ए की पावर एक बटा दो बी की पावर एन प्लस वन बाय टू ये उधर चला जाएगा बी की पावर एन प्लस वन। यहाँ थोड़ा देखें हम इस वन को क्या लिख सकते हैं, एक बटा दो प्लस में एक बटा दो लिख सकते हैं, हम इस बी वाले वन के पावर में है जो इसको भी ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसका आधार, ये देखो प्लस में है तो इनको अलग अलग कर सकते हैं हम, ए की पावर एन प्लस वन बाई टू इंटू में ए की पावर एक बटा दो माइनस ए की पावर एन बटा दो इंटू में बी की पावर एक बटा दो बराबर एक बटा दो बी की पावर एन बटा एन प्लस वन बाई टू बराबर, सॉरी माइनस था यहाँ, बी की पावर एन प्लस वन बाई टू इंटू में बी की पावर वन बाय टू। अब क्या करेंगे हम यहाँ से ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो ए की पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन आके तो बचा क्या, यहाँ बचा एक पावर हाफ और यहाँ बचा बी की पावर हाफ बराबर में, यहाँ से हम बी वाला कॉमन ले लेंगे बी की पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन आ गया तो बचा ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे दोनों तरफ गुणा में, इसलिए बचा हमारे पास क्या, वहाँ पर आपके रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ हम लिख देख लेते हैं ए की पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर बी की पावर एन प्लस वन बाई टू, ये हमारा भाग में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया a बटा b की होल पावर n प्लस वन बाई टू बराबर में एक। अब एक कब आ सकता है, या हम इसको लिख सकते हैं a बटा b की पावर ज़ीरो, तो आधार समान हो गया तो इनकी घातें भी समान हो जाएंगी तो n का मान क्या आ गया माइनस एक बटा दो आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन आप रिवाइज करें और नेक्स्ट आपका कल टेस्ट होगा इसका 9 चैप्टर का 9.3 तक। ओके okay?